वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही बिहार आईटीआई का रिजल्ट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, तो कल रात में इसका जो रिजल्ट आ चुका है, आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है यह अभी मैं आपको बता दूंगा। आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों का यहाँ पर रोल नंबर नहीं आया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिहार आईटीआई की सेकेंड काउंसलिंग आने की भी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पर कोई भी वैकेंट सीट बचती है। तो भाई बात करते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट को चेक करना है। तो जैसे ही जो है आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहला ही लिंक है। इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद ऊपर राइट में आपको एक सर्च आइकन दिखेगा, फोन में ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च आइकन में आप जो है अपना रोल नंबर डालना। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे तो आप जो है यहाँ पर एंटर करना। एंटर करने के बाद देखो आपकी जो रोल नंबर है वो हाईलाइट हो गए, और ऊपर आप आएंगे तो आपको जो यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है कि कब आपको जो किस आईटीआई में इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पर आपकी डेट और टाइम इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है। तो इस आईटीआई में आपको जो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। हर जो है रोल नंबर की यहाँ पर आईटीआई दे रखी है कि कहाँ पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए और जो है अपना जो भी प्रोसेस होगा आगे उसके लिए जाना है। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर और भी काउंसलिंग के रिजल्ट आए, आप चिंता मत कीजिए, उसकी जानकारी भी मैं आपको फ्यूचर में देता रहूँगा। तो बाकी ये जो है डिफरेंट आईटीआई की है, इसके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, टाइमिंग दे रखी है। अब भाई बात करूँ तो आपको जो है रैंक भी चेक करने पड़ेगी कि कितनी आपकी रैंक आई है, तो वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करनी है। तो भाई दूसरा लिंक जो है मैंने रैंक चेक करने का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो सामने आपके ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना और यहाँ पर अपनी डीओबी डालना जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल की थी। जब आप वो डालेंगे तो आपको शो रैंक पे क्लिक करना है और इसका जो है यहाँ पर शो रैंक आपको दिख जाएगा। और अगर पॉसिबल हो तो अपनी रैंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सही लगे कि हाँ जी बच्चों की इतनी रैंक आई है और आपकी एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। भाई आपको बताऊं कि हरियाणा आईटीआई के फॉर्म भी निकल चुके हैं, अगर आपको उसको फिल करना है तो आपकी लिए मैं उसकी भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करता हूं दिल्ली की। दिल्ली का जो है यहां पर कल फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, उसकी वीडियो मैं जो है आपको दे दूंगा। यहाँ पर आप जो आइकन देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिल्ली का रिजल्ट भी मिल जाएगा। रही बात बिहार की, तो बिहार का जो सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे वो असम हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे मुंबई हो, मुंबई की भी पेंडिंग है, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको ज़्यादा ही सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहें। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईटीआई के जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में जो आईटीआई करना चाहते हैं, चाहे आप अपियरिंग हैं, चाहे आप जो आईटीआई कर चुके हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आईटीआई की नौकरी आएगी या अपडेट आएगी, तो उसकी जानकारी आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी। धन्यवाद।